और जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर सेवाधाम आश्रम है, जहां पर सैकड़ों दिव्यांग मुखवधि निराश्रित निवास करते हैं। सेवाधाम आश्रम में शुद्ध दूध मिले चाय बनाने के लिए और उपयोग के लिए, उसी को लेकर यहां पर 100 से ज्यादा गायों को पाला जाता है और इन गायों के गोबर का खाद बनाकर खेती और पेड़ पौधों में उपयोग किया जाता है। सेवाधाम आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल का कहना है कि गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम सबको गायों को बचाना चाहिए। साथ ही गाय के गोबर का खाद बेहद उपयोगी होता है और यह खेती में तो फायदेमंद होता ही है, साथ ही यह बगीचों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। खाद का ढेर दिख रहा है, ये किस प्रकार से इस्तेमाल आता है, क्या रहता है इसका? सेवाधाम आश्रम गौशाला में देसी नस्ल की गौवंश है। नहीं, ये जो ढेर दिख रहा है ये किस उपयोग में आता है, गाय का गोबर और आप क्या रहता? जो ये खाद देख रहे हैं गाय के गोबर का, ये सेवाधाम आश्रम गौशाला के देशी गौवंश का खाद है, गौवंश के गोबर का खाद है और इसका उपयोग हम खेती में, पेड़ पौधों में और विभिन्न प्रकार के बीमारी, चर्म रोग आदि भी उपयोग करते हैं गोबर का। करूँ चर्चा करूँ भाई? नहीं, ये मैंने जो बोला वो ठीक नहीं, अभी आप एक मिनट अलग से बोले। देखा किस प्रकार से जो है समाज सेवी और इस शहर की गौरव सुधीर भाई गोयल जी ने बताया कि गायों के पालने के और गायों का रखरखाव हमारे लिए जीवन में बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इसका जो खाद बनता है गोबर से, वह कई प्रकार से एक फायदेमंद हो सकता है। उज्जैन से विनय शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।